इंडियन सिनेमा के सबसे महंगे तालाक, जिसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 3 पे है आमिर खान और किरण राव। इन्होंने अपने तालाक को 3 जुलाई 2021 को सोशल मीडिया पर सबके सामने अनाउंस किया था। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, किरण ने इस तालाक के लिए आमिर खान से उनके प्रॉपर्टी का 50% हिस्सा मांगा था। और यही नहीं, उन्होंने अपने बेटे आजाद के परवरिश के लिए आमिर खान से 10 करोड़ रुपए की डिमांड भी करी थी। नंबर 2 पे है ऋतिक रोशन और सुजन खान। इन्होंने अपने शादी के 14 साल बाद यानी कि 2014 में डिवोर्स लेने का फैसला किया। सुजन ने ऋतिक से तालाक के लिए 400 करोड़ रुपए की डिमांड करी थी, जिनमें से इनका सेटलमेंट 380 करोड़ रुपए में हुआ था। नंबर 1 पे है नागा चैतन्य और समंथा। दोस्तों इन दोनों कपल्स का शादी के 5 साल बाद ही डिवोर्स हो गया था। इन्होंने भी 2 अक्टूबर को सोशल मीडिया के जरिए डिवोर्स अनाउंस किया था। दोस्तों नागा चैतन्य की तरफ से डिवोर्स के तौर पर 200 करोड़ रुपए की ऑफर किया था समंथा को, जिसको लेने से समंथा ने साफ इनकार कर दिया। दोस्तों आप लोग साउथ और हॉलीवुड मूवी देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को जरूर से चेकआउट कर लेना। डिस्क्रिप्शन और कमेंट पिन में वीडियो का लिंक दिया गया है।